हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पे द इनविटेशन मूवी देखी और इस फिल्म की कहानी मुझे काफ़ी अलग लगी। द इनविटेशन एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो कि 2015 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को कुसामा ने डायरेक्ट किया है। IMDb पे द इनविटेशन मूवी की रेटिंग है 6.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 88% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 74 आउट ऑफ 100। तो आज की वीडियो में हम और आप मिलकर द इनविटेशन मूवी की कहानी जानते हुए इसकी एंडिंग पे चर्चा करेंगे। Now before I start this video, I want to thank Wacom India क्योंकि उन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। दोस्तों, जब भी हम प्रोफेशनल ड्राइंग टैबलेट की बातें करते हैं तो Wacom का नाम सबसे ऊपर आता है क्योंकि दे आर द बेस्ट इन द बिजनेस। रिसेंटली Wacom India ने मुझे एक Cintiq 16 भेजा एंड ओनिंग दैट टैबलेट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। Cintiq 16 प्रो पेन 2 के साथ आती है जिसमें 8192 प्रसर लेवल्स है, यानी कि जब भी आप इस टैबलेट से अपनी ड्रॉइंग्स बनाओगे तो आपको अनमैच्ड प्रिसीजन मिलेगी। इतना ही नहीं, आपकी लाइट स्ट्रोक्स बहुत ही लाइट और डार्क स्ट्रोक्स बहुत ही डार्क दिखेंगे क्योंकि इस पेन के अंदर ढेर सारी प्रेशर लेवल्स है। और हाँ, इस पेन की मदद से आप टिल्टेड स्ट्रोक्स भी ड्रॉ कर सकते हो। इन सब के अलावा इस टैबलेट की 16 इंचेस की स्क्रीन फुल HD है और इसके प्रो पेन 2 को किसी बैटरी की जरूरत नहीं है। टैबलेट की स्ट्रोक्स एकदम इवन है एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि मेरी ड्रॉइंग कुछ ही दिनों में कितनी ज्यादा इंप्रूव हुई। Wacom हैज अ ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन ऑफर, तो अगर आप भी एक आर्टिस्ट हैं या फिर आप फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर्स को रेगुलरली यूज करते हैं देन यू शुड सर्टेनली गेट अ Wacom प्रोडक्ट। मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन में Wacom इंडिया के वेबसाइट की लिंक और Wacom टैबलेट्स को Amazon से खरीदने की लिंक डाल रखी है जहां आप अपने मनपसंद की Wacom प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम व्यूअर्स विल नाम के बंदे को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड कीरा के साथ अपनी एक्स वाइफ के घर जा रहा था। विल के एक्स वाइफ का नाम ईडन था और ईडन अपने घर पे एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें उसने कई लोगों को इनवाइट किया था। ईडन और विल की डिवोर्स हुई थी क्योंकि इनके बच्चे टाई की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। टाई के मरने के बाद ये दोनों एकदम ट्रॉमेटाइज थे और ग्रेजुअली ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। विल से अलग होने के बाद ईडन ने डेविड नाम के बंदे से शादी कर ली थी जो कि उसे एक ग्रीफ सपोर्ट ग्रुप में मिला था। शादी के कुछ ही दिनों बाद ये कपल एकदम से गायब हो गए थे और आज 2 साल बाद अचानक से इन्होंने अपने घर पे पार्टी रखी है जिसमें विल और उसकी गर्लफ्रेंड भी इनवाइटेड थी। ईडन के घर जाते वक्त विल की कार एक कोयोटे से टकरा जाती है और इस माइनर एक्सीडेंट में कोयोटे की मौत हो जाती है। तो वहां से आगे बढ़ने के बाद विल और कीरा ईडन के घर पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात कई लोगों से होती है। ये सभी लोग विल के पुराने दोस्त थे और मैं यहां एक एक करके सबका नाम बता देता हूं ताकि स्टोरी में आगे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो यहां हम बेन, क्लेयर, जीना, टॉमी और टॉमी के बॉयफ्रेंड मिगुएल को देख पाते हैं जो कि विल और उसकी गर्लफ्रेंड के आने से काफ़ी खुश थे। जीना का कहना था कि उसका बॉयफ्रेंड चोई भी आने वाला है बट ही इज़ रनिंग लेट। बातचीत के दौरान विल घर में एक अजीब सी लड़की को देख पाता है जिसका नाम सेडी था और ईडन सेडी को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। ईडन का कहना था कि सेडी उसे और डेविड को मेक्सिको में मिली थी और तब से वो इनके साथ ही रहती है। सेडी थोड़ी वियर्ड सी थी और विल में काफ़ी इंटरेस्ट ले रही थी। एनीवेज, हम व्यूअर्स विल को अपने पुराने घर में इधर उधर घूमते देखते हैं और उसे अपने बेटे टाई के डेथ वाली दिन याद आ रही थी। विल को ये भी याद आता है कि टाई के मरने के बाद ईडन ने खुदकुशी करने की कोशिश करी थी जिससे उनके रिश्ते में काफ़ी दरार आई थी। लेकिन आज ईडन एकदम खुश थी, मानो अपने बेटे को मौत को भूल गई है और ईडन का बर्ताव भी थोड़ा अजीब था। ईडन विल को कह रही थी कि वो बदल चुकी है और अब वो आज़ाद है, हर यूजलेस पेन इज़ गॉन नाउ और अब उसे शांति मिल चुकी है। तभी वहाँ बेन आता है और ईडन बेन को समझाने लगती है कि कैसे हर एक इंसान का दर्द बस उसकी बॉडी में चल रही केमिकल रिएक्शंस है विच कैन बी कंट्रोल्ड। बेन ईडन की बातों का मजाक बनाता है और ईडन गुस्से में बेन को थप्पड़ मार देती है। ये सारी चीज़ें विल को अजीब लगती है और उसे शक होने लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। एनीवेज, घर
में एक और बंदा आता है जिसका नाम प्रूइट था और प्रूइट डेविड का दोस्त था। प्रूइट के अंदर आने के बाद डेविड घर के डोर्स को लॉक करता है और विल को ये बात अजीब लगती है। विल आस्क्स डेविड कि वो डोर लॉक क्यों कर रहा है और डेविड विल के क्वेश्चनिंग की वजह से डोर की होल में ही रहने देता है। यहाँ एक और अजीब बात ये थी कि किसी के फ़ोन में ठीक से नेटवर्क नहीं आ रही थी एंड नो वन वॉज एबल टू कॉन्टैक्ट एनी वन। घर में इधर उधर घूमते वक्त विल ये भी नोटिस करता है कि ईडन अपने बेडरूम में किसी तरह के पिल की बॉटल छुपा रही थी, विच वॉज स्ट्रेंज। इन घटनाओं के बाद सभी लोग हॉल में बैठते हैं जहां डेविड और ईडन अपने दोस्तों को एक ग्रुप के बारे में बताते हैं जिसे उन्होंने ज्वाइन किया है। प्रूइट और सेडी भी इसी ग्रुप के मेंबर्स थे और इस ग्रुप का नाम था द इनविटेशन। द इनविटेशन ग्रुप का मकसद लोगों के दर्द को हील करने का था थ्रू स्पिरिचुअल फिलॉसफी। डेविड सभी को एक वीडियो दिखाता है जिसमें हम व्यूअर्स किसी डॉक्टर जोसेफ को देख पाते हैं जो कि इस ग्रुप के लीडर थे। डॉक्टर जोसेफ बताते हैं कि द इनविटेशन ग्रुप मेक्सिको के सोनोरा में स्टार्ट हुई थी और ये लोगों को उनके दुख दर्द से हील करते हैं। वीडियो में आगे डॉक्टर जोसेफ किसी औरत से बातें कर रहे थे जो कि मर रही थी और डॉक्टर जोसेफ उस औरत को दिलासा दे रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो औरत किसी जगह जाने की बात कर रही थी जहां वो अपने हस्बैंड और फादर से फाइनली मिल पाएगी और इसके ठीक बाद वो औरत मर जाती है। हम व्यूअर्स यहां समझ पाते हैं कि उस औरत के हस्बैंड और फादर मर चुके थे और वो उनसे वहीं मिलना चाहती थी। नाउ ऑब्वियसली इस वीडियो को देखकर सभी लोग एकदम डिस्टर्ब होते हैं लेकिन डेविड और ईडन सबको कन्विंस करते हैं कि इट वॉज ब्यूटिफुल। सभी लोग एकदम गंभीर हो गए थे और सबका मूड हल्का करने के लिए डेविड आई वॉन्ट नामक एक गेम सजेस्ट करता है। इस गेम में सभी एक एक करके अपनी विशेज बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डांस, एंड देन उनकी विश पूरी करी जाएगी। तो सीडी बोलती है कि शी वॉन्ट टू लव एवरी वन और ऐसा बोलकर वो जीना को किस करती है। ईडन सेज दैट शी वॉन्ट्स टू किस और वो बेन को किस करती है। गेम के दौरान प्रूइट कॉन्फेसेस कि उसने एक्सीडेंटली अपनी वाइफ को जान से मार डाला था जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था एंड नाउ ही मिसेस हर एवरी डे। अपने वाइफ के कत्ल में प्रूइट को 7 साल की जेल भी हुई थी एंड ही वॉन्ट्स कि काश उसकी वाइफ भी यहां सबके साथ इस पार्टी में होती। अब दोस्तों इस बात को सुनकर सभी लोग और भी डिस्टर्ब होते हैं और क्लेयर इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है कि वो यहां से जाना चाहती है। डेविड क्लेयर को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन विल डेविड से क्लेयर को जाने देने को कहता है। क्लेयर की कार के आगे प्रूइट की कार पार्क थी और इसीलिए प्रूइट भी क्लेयर के साथ बाहर जाता है ताकि क्लेयर अपनी कार निकाल सके। विल खिड़की से क्लेयर और प्रूइट पर नज़र रख रहा था और प्रूइट क्लेयर से बात करने के लिए दूर जाता है। अब इससे पहले विल आगे कुछ देख पाता, डेविड विल के पास आकर उससे बातें करने लगता है। डेविड का कहना था कि विल हर एक चीज़ को लेकर कुछ ज़्यादा ही शक कर रहा है, विच इज़ मेकिंग हिम अनकम्फर्टेबल। विल बोलता है कि ही इज़ नॉट फीलिंग गुड और उसी टाइम हम प्रूइट को वापस आते देखते हैं। तो इस इंसिडेंट के बाद सभी लोग डिनर टेबल पर जाते हैं और विल घर में इधर उधर घूम रहा था। तभी अचानक वह सेडी को एक कमरे में अजीब से चेहरे बनाते हुए देखता है और सेडी भी विल को देख लेती है। विल पूल साइड जाता है जहां सेडी उसके पास आकर अजीब सी बातें करने लगती है। सेडी विल से फिजिकली इन्वॉल्व होने की बातें करती है लेकिन विल एकदम मना करता है। इस वियर्ड कॉन्वर्सेशन के बाद विल टॉमी से इस घर के ऑड एटमॉस्फेयर के बारे में बातें करता है लेकिन टॉमी का कहना था कि एवरीथिंग लुक्स ओके। तो पूल साइड अकेले बैठे बैठे विल के फ़ोन में सिग्नल आती है और उसे जीना के बॉयफ्रेंड चोई की वॉइस मेल मिलती है। इस वॉइस मेल में चोई बोल रहा था कि वो ईडन के घर सबसे पहले आया था लेकिन दोस्तों अभी तो चोई घर में था ही नहीं। विल को ऐसा लगता है कि शायद डेविड और ईडन ने चोई को मार डाला है और वो फौरन डिनर टेबल पर जाकर डेविड को इस बात से कन्फ्रंट करने लगता है। विल डेविड और ईडन को कल्ट ब्रेन वॉशिंग के लिए सबके सामने चिल्लाकर अक्यूज़ करता है और वो बार चोई के बारे में पूछता है लेकिन दोस्तों तभी वहां घर में चोई आ जाता है और चोई का कहना था कि वो यहां सबसे पहले आया था लेकिन ऑफिस के काम की वजह से उसे वापस जाना पड़ा। चोई के घर में आने से विल की बात एकदम फ्लैट पड़ गई और वो अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा था। डेविड और ईडन उसे माफ करते हैं और डिस्टर्ब्ड विल अपने बेटे टाई के कमरे में उसे याद करने जाता है। कमरे की खिड़की से विल डेविड को एक रेड लैंटर्न जलाते हुए देखता है, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज। इस कमरे में एक डेस्क थी जिसके ड्रॉअर में विल को एक लैपटॉप मिलती है। इस लैपटॉप में द इन्विटेशन ग्रुप की ट्रू मोटिव्स और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन थी।
वीडियोस और डॉक्स को देखकर विल समझ जाता है कि द इनविटेशन ग्रुप लोगों को जान से मारकर उन्हें शांति देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रुप के लोग अपने मरे हुए रिश्तेदारों से उनके पास जाकर मिलने को पीस मानते हैं और ऐसा करने के लिए ऑब्वियसली उन्हें भी मरना होगा। ये सब जानकर विल फौरन ही डिनर टेबल पे जाता है जहाँ डेविड सभी को एक बहुत ही महंगी वाइन सर्व कर रहा था। विल सबको वाइन पीने से मना करता है और वो लोगों की वाइन ग्लासेस तोड़ भी देता है। विल के ऐसा करते ही सेडी पागलों की तरह उस पर अटैक करती है और इस हाथापाई में सेडी के सर पे चोट आती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। वहीं जीना ने वाइन पी ली थी और अचानक वो गिरकर मारी जाती है क्योंकि सचमुच इस वाइन के अंदर जहर थी। मिगुएल जीना को बचाने की कोशिश करता है लेकिन दोस्तों डेविड उसे एक पिस्टल से शूट कर देता है। प्रूइट, डेविड और ईडन अपने सभी गेस्ट्स पे अटैक कर देते हैं ताकि वो इन सबको मार सके और इस कियोस में मिगुएल, चोई और बेन भी मारे जाते हैं। विल, कीरा और टॉमी किसी तरह से बच के घर में छुप जाते हैं लेकिन प्रूइट, डेविड और ईडन इन्हें मार डालने के लिए खोज रहे थे। छुपते छुपाते विल डेविड को ईडन से बातें करते सुनता है जहां वो मरने को अपने सभी दर्दों से मुक्ति पाने का रास्ता बता रहा था। विल घर के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है जहां उसे सेडी दिखती है और सेडी ने खुद से ही जहर पीकर अपनी जान ले ली थी। विल सेडी के पास एक फायरप्लेस पोकर लेता है जिसकी मदद से वो प्रूइट पे हमला करता है। प्रूइट विल और कीरा दोनों पे भारी पड़ रहा था लेकिन कीरा किसी तरह प्रूइट को मार डालती है। तभी वहां ईडन आती है जो कि विल के आर्म पे शूट करने के बाद खुद को स्टमक पे शूट करती है। मरने से पहले ईडन विल को अपने पास बुलाती है बट देन इट वॉज टू लेट। वहीं पैरेलल में टॉमी डेविड पे अटैक करके उसे जान से मार डालता है एंड फाइनली इस घर से टॉमी, डेविड और कीरा जिंदा निकलते हैं। बाहर निकलने पे इन्हें कई साइरन्स वगैरह सुनाई देती है और विल शहर के ऊपर चॉपर्स को मंडराते देखता है। यहाँ हम व्यूअर्स पूरे शहर में कई जगह उसी रेड लैंटर्न को देख पाते हैं जिसे डेविड ने अपने घर के बाहर जलाया था एंड दिस मीन्स कि द इन्विटेशन ग्रुप के मेम्बर्स पूरे शहर में फैले हुए हैं। इन ग्रुप मेम्बर्स ने खुद के साथ साथ कई लोगों को जान से मार डाला होगा और इसी वजह से पूरे शहर में पुलिस साइरन सुनाई दे रही थी। लॉस एंजेलिस शहर पूरी तरह से द इनविटेशन कल्ट के इविल प्लान का शिकार बन चुका था और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द इनविटेशन मूवी की कहानी और इस फिल्म की स्टोरी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल होता है कि फिल्म में क्लेयर के साथ क्या हुआ। मेरा मानना है कि प्रूइट ने क्लेयर को अपने साथ ले जाकर मार डाला होगा क्योंकि द इनविटेशन ग्रुप के मेंबर्स सभी को मार देना ही चाहते थे। मूवी के डायरेक्टर ने खुद इस बात को कन्फर्म किया है, सो ये अब एक थ्योरी नहीं बल्कि फैक्ट हो गई है। डेविड अपने गेस्ट्स को $8 million की वाइन वगैरह भी इसीलिए पिला रहा था क्योंकि आज वो खुद के साथ सभी को मार डालने के प्लान में था। इस फिल्म में ऐसी कोई खास थियरीज नहीं है लेकिन इस वीडियो के जरिए मैं आपको फिर से वैकॉम इंडिया के बारे में याद दिलाना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आप एक एडिटर हैं या फिर आप डिजिटल आर्ट में रुचि रखते हैं तो वैकॉम इंडिया की वेबसाइट पे आपके लिए हर रेंज में ढेर सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। मार्केट में आपको कई चाइनीज चीप नॉकऑफ्स मिल जाएंगे लेकिन उनमें अक्सर आपको ड्राइवर सपोर्ट के इशू, हार्डवेयर के इशू और बेकार क्वालिटी मिलेगी, जबकि वैकॉम इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और यहाँ किसी तरह की ड्राइवर इशू, हार्डवेयर इशू नहीं होती है। सो इफ यू आर इनटू एडिटिंग और डिजिटल आर्ट, आई हाईली रिकमेंड कि आप वैकॉम के प्रोडक्ट्स को जरूर चेक कीजिए। द लिंक टू वैकॉम इंडिया वेबसाइट एंड वैकॉम प्रोडक्ट्स ऑन Amazon इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बिलो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। Peace.